है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोनर एंड बहुत स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसपे हम रिपोर्टर से सीधा जुड़ते हैं लाइव और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी विधानसभा का क्या हाल है, उनकी विधानसभा में इन 5 सालों में क्या काम हुए हैं, किस तरह की तकलीफों से आम जनता को जूझना पड़ता है, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। रिपोर्टर सीधा अपने यहाँ के हालात हमें बताते हैं, तो आज हम आपको बदायूं और संभल ले चलेंगे जहां पर हम बदायूं और संभल के हालात जानने की कोशिश करेंगे। बदायूं में कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में, बदायूं में किस तरह की तस्वीरें हैं, कोरोना को लेकर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, नए साल को लेकर जो गाइडलाइंस है क्या उनका पालन किया जा रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिजली पानी की व्यवस्था क्या है या फिर तकलीफ लगातार बनी हुई है, इसके अलावा संभल का भी हम यहां पर रुक करेंगे। संभल के जो मेरे सहयोगी हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि संभल में कैसे हालात हैं। तो आज हम बात बदायूं और संभल की करने जा रहे हैं। बदायूं से मेरे सहयोगी विजय राठौर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले ये बताइए कि आपके विधानसभा में हालात कैसे हैं? देखिए काजोल, मैं बात करूं अगर बदायूं जनपद की, तो बदायूं जनपद में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा पे जो इस समय सियासी माहौल है वो बहुत ही गर्म हो चुका है, क्योंकि राजनीति जिस तरह से देखिए दिसंबर का जो महा है वो कितना ठंडक है और राजनीति माहौल कितना गर्म है। विधानसभा के अगर बात करें सड़कों की, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रहा है जो सड़कों में जो गांव की सड़कें हैं या कुछ निस्तर जो मुख्य मार्गों से छोड़ करके जो जिसका आवागमन सड़कों का है वो कहीं ना कहीं जो है अभी तक अधूरा है। जी बिल्कुल विजय, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कुछ विकास हुआ है लेकिन कुछ अभी अधूरा है। देखिए, सबसे पहले जानने की मैं कोशिश करूंगी कि बदायूं में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या वो सही है, हालात बेहतर हैं, जनता संतुष्ट है? देखिए बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो पहले की अपेक्षा जो है स्वास्थ्य काफी हद तक कुछ सुविधाएं जो है जनता को मिली हैं, मगर जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में होनी चाहिए सुविधाएं, सरकारी हॉस्पिटलों में होनी चाहिए, उस तरह की व्यवस्थाएं अभी तक जो है बदायूं जनपद के अंदर या निचले स्तर के जैसे जो सीएससी हैं या पीएससी हैं या नवीन केंद्र हैं, तो हालांकि अभी जैसे 97 के लगभग जो है केंद्रों नवीन उप केंद्रों का जो है उद्घाटन किया गया था और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, मगर उनको देखा जाए कहीं बहुत अखबारों में या जगह खबर छपी कि कहीं जो है फर्जी। देखिए जिस तरह से जो फर्जी वाला हुआ है, कहीं किराए की बिल्डिंगें लेकर के चला है, मगर ये कहीं लगता नहीं कि धरातल पे कोई काम सही से आ पाया है। हालांकि कागजी कार्रवाई में पूरा काम तो हो गया है, जगह जगह जो है स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं, मगर उनपे अभी तक जो है डॉक्टर पहुंच पाना या उनको सही से संचालित कर पाना अभी काम मुश्किल है। देखिए विजय, अगर आज की हम बात करें तो साल का आखिरी दिन है, नए साल का आगाज होने जा रहा है, लेकिन ऐसे में कोरोना जो है इस नए साल के जश्न में भंग डालता हुआ नजर आ रहा है। अगर बदायूं की हम बात करें तो बदायूं प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है इसको लेकर, ओमिक्रॉन जो नया वेरियंट आया है ये कहर बरपा रहा है? विजय, क्या मेरी आवाज मिल रही है? तो शायद विजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा से संपर्क साधूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप बदायूं की देख रहे हैं। देखिए जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि वहां के हालात बेहतर हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हो पा रही है, लेकिन जनता 50% ऐसी है जो खुश है, 50% ऐसी है जो नाखुश है। तो ऐसे में जो जनता नाखुश है उनके सवाल क्या हैं, उनके मन में क्या है, वो आगे 2022 को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी से मैं संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। विजय, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ
हाँ जी जी अब आप आ जा रहे हैं। बिल्कुल विजय, देखिए आज साल का आखिरी दिन है 2021 का और नव वर्ष का आगाज होने जा रहा है, लेकिन नए साल का रंग फीका पड़ रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कहर बरपा रहा है, ऐसे में नई गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है, नाइट कर्फ्यू जैसी चीजें देखने के लिए मिल रही है। अगर बदायूं की जनता की मैं बात करूं तो क्या जनता जागरूक है ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर? देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं जो है ये तमाम तरह के प्रयास कर रहा है ओमिक्रॉन और कोरोना से बचने के लिए, मगर जिस तरह से इस समय जो है राजनीति का 2022 को देखते हुए राजनीति पारा गर्म है, उसको देखते हुए जो है बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि कई जगह जगह जो भीड़ उमड़ रही है उसमें कहीं भी सैनिटाइजर और मास्क की जो चुनावी रैलियां हैं उनमें इस तरह का कोई भी देखने को नहीं मिला है कि उचित व्यवस्था जो है सैनिटाइजर और क्या नाम मास्क की मिल सके। और रोडों पे जिस तरह से जो नाइट कर्फ्यू तो प्रशासन ने लगा दिया है नाइट कर्फ्यू के चलते, मगर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिस तरह की प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी चाहिए उस तरह से अभी तक जो है कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है जिससे देखा करके कि इस आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन के जो केसेस बढ़ रहे हैं उन पे जो है कोई रोक लग सके। विजय आपने जैसे कि बताया कि बदायूं में 6 विधानसभा है, अगर हम 6 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देखें तो क्या इन रिपोर्ट कार्ड में सभी पास हैं या फिर फेल हैं? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा पे कोई सभी कहीं ना कहीं जो है जो नेताओं ने कार्य किए हैं उनको देखते हुए उनका कहीं ना कहीं काम अधूरा है। जिस तरह से अगर विधानसभा की बात करें, दादागंज अगर विधानसभा की बात करें तो सड़कों से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था बाकी सब कुछ ठीक हुआ है, मगर कहीं ना कहीं जो है शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा की अभी भी जो है कभी देखने को देखिए अगर दातागंज विधानसभा की आप बात कर रहे हैं तो दातागंज विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी बहुत दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सीट जो है वो पूरी तरह से एक लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। अगर हम दातागंज विधानसभा की बात करें तो बीजेपी यहाँ कितनी मजबूती के साथ उतरी हुई है मैदान में? विजय की आवाज आ रही है मेरी? तो विजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बदायूं में हालात जो हैं वो बेहतर हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद है वो उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और संभल से मेरे सहयोगी सतीश भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, अगर बात की जाए संभल की तो संभल में हालात कैसे हैं, चुनावी लिहाज से अगर देखें तो क्या सभी चीजें ठीक हैं, सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं? जी बता दूं जिस तरीके से जनपद संभल में चुनाव की तैयारी चल रही है, जो लोग जो नेता सामने नहीं आ रहे थे आज वो ही अपना प्रचार कर रहे हैं और अब टिकट की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर जो भी पुराने विधायक है वो वादे कर चुके हैं, कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। 31 विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा चंदोसी में जो है इन्होंने वादे किए थे फ्लाई ओवर को लेकर, जान की समस्या को लेकर इन्होंने वादे किए थे, कोई भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक है, गुलाम देवी राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कई पिछले चुनाव में 2017 में वादे किए थे, वादे इनके कोई भी पूरा नहीं हुआ है, इनसे जनता भी नाराज है। और एक बात मुख्यालय की 2017 में मुख्यालय बात हुई थी कि 2011 में जो मायावती सरकार आई थी वो मुख्यालय बना था, मुख्यालय के साथ भीमनगर नाम से जिला बना था, लेकिन वो जिला आज संभल जब सपा सरकार आई तो संभल जिला के नाम से उन्हें घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी तक मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय चंदोसी वाले कहते हैं कि हमारा मुख्यालय बनेगा, संभल वाले कहते हैं कि हमारा मुख्यालय बनेगा, दोनों तहसीलों में आप इधर उधर बहुत जनता नाराज है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्यालय की बात अभी तक अस्थायी है और यहाँ पर जो व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो व्यवस्था। सतीश अगर इस खास प्रोग्राम की हम बात करें तो इस खास प्रोग्राम का मकसद है ताकि जो हम आप
जो है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों की क्या समस्याएं हैं, आम जनता क्या सोचती है आपके बारे में, ये भी हम जानने की कोशिश इस खास कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। देखिए, रिपोर्टर सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं होता है, वो आम जनता की जान होता है, क्योंकि आम जनता के जो भी समस्याएं हैं उनके माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचती है और जो उच्च दायरे पर बैठे लोग हैं उन तक पहुंच पाती है। तो जब आप फील्ड में निकलते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये जिसके जनपद संभल में नेताओं ने वादे किए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो है जो समस्या हल की जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई समस्या हल नहीं कही। जनता के बीच में नाराज हैं लोग और कहा कि जनता इतनी नाराज है बता नहीं सकते। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी व्यवस्था जाम की और सड़कों के मुख्यालय की है जो इन्होंने नेताओं ने वादे किए थे, लेकिन बीजेपी सरकार में जो बीजेपी की राज्य मंत्री है उनसे लोग कुछ खपा है, क्योंकि यहाँ की जनता में बहुत, यहाँ पे जो विधायक है उनसे बहुत उम्मीद थी और बीजेपी के लिए बहुत उम्मीद की गई थी कि यहाँ पे ये समस्या हल की जाएंगी, लेकिन कोई भी समस्या यहाँ पे हल नहीं की गई है। जनता इसीलिए बहुत ज्यादा नाराज है। सबसे बड़ा सवाल होता है मुख्यालय का, मुख्यालय को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है। संबल की जो तहसील है और वहाँ पे वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यालय बनाया जाए, चंदौसी तहसील सोचते हैं हमारे मुख्यालय बनाया जाए। देखिए सतीश, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता आपको किस तरह से पसंद करती है? क्या जनता सीधा आती है, आपसे बात करती है, इच्छुक होती है बात करने की, अपनी समस्याएं आपके सामने रखती है, या उस तरह का माहौल देखने के लिए नहीं मिलता? जी, यहाँ पर जो जनता है वो मीडिया के पास जाती है और सबकी समस्या बताती है, हर समस्या उनके साथ में होती रहती है। यहाँ पर क्राइम की बात करें या विकास की बात करें, यहाँ पर बहुत जनता काफी परेशान है और उन्हें चेहरा भी देखना चाहती है, और जनता आकर खुद बताती है मीडिया से कि यहाँ पर जो कार्य उन्होंने वादे किए थे अभी तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। यानी सतीश, आप जब निकलते हैं फील्ड पर तो जनता आपसे खुश है? जी हाँ, जनता खुश और जनता खुद अपनी परेशानी बताती है। चलिए ठीक है सतीश, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ आप बने रहिए। बदायूं से विजय राठौर भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विजय, आज के हालातों की मैं बात करूं तो कैसे हालात हैं आज के 2022 के परिप्रेक्ष्य से? देखिए, 2022 को देखते हुए जो चुनावी माहौल है, एक तरफ से कुल मिला के यहाँ पर जैसे ताबड़तोड़ बीजेपी की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ रैलियां जिस तरह से बीजेपी कर रही है उससे कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी तो जा रही है, क्योंकि हर दूसरे दिन हर रोज जो है गांव का अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वो व्यक्ति कहाँ तक रैली में जा सकता है, और यहाँ पर जो राजनीतिक पारा है उसको चढ़ गया है। और उसको देखते हुए देखिए, सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो या भी भाजपा हो, अपनी अपनी जमीन जो है तलाशने में जुटी हुई है। मगर अगर बात आती है बीजेपी की तो कहीं ना कहीं लोग देखिए, वर्तमान सत्ता भी है यहाँ पर, 6 विधानसभा में 5 विधायक जो है बीजेपी के हैं, और उनमें जनता के बावजूद ही उनमें विधायकों के बावजूद तो सतीश, यहाँ जनता बीजेपी से खुश है, बीजेपी के कामों से खुश है, योगी आदित्यनाथ से खुश है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि योगी जैसे, देखिए बात उत्तर प्रदेश सरकार की आती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो योगी से जनता तो खुश है, मगर यहाँ पर जो जमीनी स्तर पे अगर देखी जाए तो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के किसानों को जिस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अगर चाहे वो घुमंतू गाय हो या फिर इन तरह की जो जानवरों की समस्या है, इस समय गेहूं की जो फसल है उसको देखिए, घुमंतू गाय की वजह से किसान जो है वो रात रात भर जा करके जो है रखाना उनको देखना पड़ रहा है, और वो एक बड़ी समस्या यहाँ पर कहा जाए तो जो घुमंतू जानवरों की है। बदायूं में, बदायूं में जो सबसे मुख्य समस्या आप बता रहे हैं वो ये है कि जो आवारा पशु हैं वो सबसे बड़ी समस्या है, क्या इसके समाधान के लिए कोई अधिकारी सामने आता है, क्या आपने ये बात रखने की कोशिश की? देखिए, यहाँ पर अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उसने गौशाला के लिए करोड़ों रुपए का जो है यहाँ पर स्वीकृत की है गौशाला बनाने का, मगर जमीनी स्तर पर देखने वाली बात होगी कि जमीनी स्तर पर जो है कितना कार्य हुआ है। अगर प्रत्येक विधानसभा की बात करें तो 2 से 3-4 गौशाला जो है बड़ी स्तर की गौशालाएं बनाई गई है, मगर जमीनी स्तर पर उसमें कितना काम हुआ है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए ठीक है विजय, देखिए एक सवाल अभी मैंने सतीश से किया था वो भी आपसे कहना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जब आप फील्ड पर निकलते हैं, आम जनता के बीच पहुंचते हैं, रूबरू होते हैं उनसे, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या वो खुश होते हैं मीडिया को देखकर? क्या वो सवालों के जवाब देने के लिए आगे आते हैं? देखिए,
बात जब जनता की आती है तो जनता का जो मूड है वो समझना, इतना समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि जनता के दिल में क्या है, चुनाव नजदीक है वो किधर घूमेगी, ये तो कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। अगर जनता की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वर्तमान से अंदर अंदर जो है नाखुश तो है, मगर एक नए चेहरे की, हालांकि बीजेपी से नाखुश नहीं होने के बावजूद भी एक नए चेहरे की तलाश में जनता भी है। कोई नया चेहरा अगर किसी विधानसभा से आएगा और बीजेपी से आएगा तो भले ही वो जो है सरकार को या देख करके जो पूरा चुनाव है वो एक योगी और मोदी की तरफ जो है पूरा, एक जो पिछले 2017 में लहर रही थी मोदी लहर, अब जो 2022 की लहर है वो धीरे धीरे जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ घूम रही है कि योगी और मोदी जो है 2022 के चुनाव में मुख्य चेहरा होंगे। चलिए ठीक है विजय, मेरे साथ आप बने रहिए, सतीश लगातार मेरे साथ बने हुए संभल से। सतीश देखिए, बदायूं में क्या मुख्य समस्या है वो तो अभी विजय ने बताई है कि किसानों की समस्या यहाँ मुख्य है, जो घुमंतू पशु हैं, जो आवारा जानवर हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को परेशान कर रहे हैं। गौशाला वहां पर बहुत ज्यादा बनाई गई है लेकिन जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं देती हैं, कागजों पर दिखाई देती हैं। सतीश अगर मैं बात करूं संभल की तो संभल में मुख्य समस्या क्या है जिससे आम जनता या किसान परेशान है या छात्र परेशान है या तीमारदार परेशान है, मरीजों को नहीं मिलते बेड, ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे ज्यादा बनी हुई है? देखिए मैं बता दूं, इस तरीके से समस्या तो लगातार है। पशुओं की बात की जाए तो किसान इतने परेशान हैं कि वो बता नहीं सकते, रात रात को अपना अलावा जलाकर रात भर रखाती रखवाली करते हैं, उनके गाय अंदर चल जाती हैं और जो ये लोग जो उन्होंने गौशाला के नाम पर जो पैसा उगाही करके खा लिया, और लेकिन वहां गौशालाओं में कितनी गायें, आज के दौर में कहीं किसी भी गौशाला के अंदर चले जाओ वहां तो गौशाला के अंदर उन्हें चारा नहीं मिलता, तो इसलिए रात को जो कर्मचारी होते हैं छोड़ देते हैं। किसान का सारा जो किसान इतनी मेहनत करके फसल उगाता है और फसल के लिए नष्ट कर दिया जाता है, तो रात भर किसान जो है अलवा जलाकर रात भर अपनी रखवाली करते हैं और जब वो रात भर रखवाली करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है। ये समस्या की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के नाम पर तो यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि यहाँ पर जो अधिकारी है एक दूसरे पर कुछ डॉक्टर एक दूसरे पर। योगी सरकार तो कहती है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, आप तो कह रहे हैं कि संभल में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, धन उगाही पैसा उगाही जैसी तमाम चीजें बता रहे हैं। देखिए योगी जी ने तो आदेश करे उनके ही अधिकारी पर्चे लगाने में लगे रहते हैं, आज दिन ऐसी घटना होती है। अभी स्वास्थ्य विभाग में आपको बता दूं कि ये कि जिसकी किसी की डेड बॉडी के कागज ही नहीं बने थे और एक डॉक्टर दूसरे आरोप में लगा रहा था कि मैंने मेडिकल नहीं करा है, तो इधर सीएमओ ने इस मामले में संज्ञान लिया था, चार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे बड़ा सवाल आज दिन कोई कुत्ते के पास स्वास्थ्य विभाग में डेड बॉडी नोचते हैं तो कभी बच्चे की नाक जाकर कुछ ले जाता है, कभी अपनी माँ अपनी बेटी के लिए कंधे पर रखकर जाती है, स्टेटस नहीं मिलता है, कभी स्टेटस यानी अगर देखा जाए तो सतीश संभल में प्रशासन लापरवाह है, प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद ली हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग का तो नाम ही नहीं लिया जाए, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के तो इतने भ्रष्टाचार हो चुका है कि एक दूसरे पर स्वास्थ्य विभाग के आरोप ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। मतलब स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से संलिप्त है इन सब चीजों में। जी जी, और यहाँ पर बात की जाए विकास की तो विकास के नाम पर तो यहाँ पर काफी जो जनता है वो नाराज है और नया चेहरा देखना चाहती है, क्योंकि योगी मोदी जी के यहाँ जो विधायक है, दो विधायक बीजेपी के हैं, दो विधायक सपा के, चार विधानसभा पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो विधायक हैं यहाँ पे बुलावा देवी, उनसे उन्होंने वादे किए थे यहाँ पे फ्लाई ओवर के वादे किया था, लेकिन आगे सतीश जो विधायक की आप बात कर रहे हैं, जो जितनी भी विधानसभा है इन सभी के जो विधायक जी हैं, क्या वो अपने लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी क्षेत्र की जनता से रूबरू होते हैं, जब कोई भी समस्या आती है क्या वो बैठकर चर्चा करते हैं आम जनता में? जी नहीं जाते हैं, अब चुनाव राज्य चुनाव में जाने के बाद में घरों से निकल चुके हैं, जो नेता हमने नहीं देखे वो नए नेता प्रचार कर रहे हैं, और अब जनता की समस्या अब सुन रहे हैं। कई सड़कों की बात की जाए तो पहले ही बोर्ड लगा दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने सड़क का निर्माण कर लिया गया है, वो सड़क ही नहीं पड़ी है, कुछ सड़कें ऐसी है, कुछ सड़कें ऐसी पड़ी है जो आज उनका निर्माण हुआ है, बोर्ड लगा दिए गए हैं, उद्घाटन हुआ कल उसमें सड़कें उखड़ गई, बहुत सड़कें ऐसी हैं, तो जनता इसमें बहुत नाराज है। जनता के बीच में आप जाना
क्योंकि अब चुनाव आ चुका है, नजदीक चुनाव 2022 में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए यानी हकीकत ये है कि संभल में एक तो भ्रष्टाचार चरम पर है, धन उगाही जैसी चीजें हो रही हैं, स्वास्थ्य महकमा भी इसमें संलिप्त है, इसके अलावा विकास जैसा कुछ नहीं हुआ है, आम जनता रुष्ट है विधायक जी से, ये सच्चाई है संभल की। बदायूं का भी मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी विजय राठौर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विजय, जैसा कि अभी संभल से हमें पता चला है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, धन उगाही, स्वास्थ्य विभाग, विकास नहीं हुआ है, आम जनता खुश नहीं है, ऐसी तमाम चीजें हमें संभल में देखने के लिए मिली है। बदायूं के शहर और बदायूं के गाँव में अगर अंतर किया जाए तो विकास कहाँ ज्यादा हुआ है, क्या शहरों में विकास दिख रहा है या गाँव में दिख रहा है? देखिए, अगर विकास की बात आती है तो चाहे वो शहर हो या गांव हो, विकास तो हुआ है, मगर जिस तरह से विकास की गति जो है योगी और मोदी जी ने देने की कोशिश की है, वो विकास जो है अभी धरातल पे नहीं दिख रहा है। अगर बात भ्रष्टाचार की रहे तो जिस तरह के कर्मचारी हैं जो पिछली सरकारों में भ्रष्ट रहे थे, तो वो भ्रष्ट जो है भ्रष्टाचार का भी समाप्त होना बहुत मुश्किल है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर तो योगी हंटर चल चुका है, फिर ये भ्रष्टाचारी अधिकारी बताइए में क्या कर रहे हैं? देखिए, इस तरह का जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, उस तरह का भ्रष्टाचार जो है मतलब कम है लेकिन कम है। हाँ जी, पिछले सरकारों से जो है इस बार सरकार में कम हुआ है, मगर भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की जाए तो वो नहीं है। निचले स्तर पे जैसे अगर मान लीजिए वो कोटेदार हो या फिर लेखपाल हो, जैसे छोटी छोटी रिश्वतों के लिए 100-200 इस तरह से जो है उगाही आज भी है, और वो हम समझते हैं कि किसी भी सरकार में समाप्त नहीं हो सकेगी। मतलब अगर आने वाले समय में योगी सरकार आती है तो भी समाप्त नहीं हो पाएगी? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से जो कर्मचारियों की आदत पड़ गई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में वो संलिप्त हैं, तो या तो उनको खत्म ही किया जाए तब समाप्त हो सकता है, अन्यथा ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी से कुछ कहना, आम जनता ने क्या मूड बना लिया है फिर? आम जनता ने क्या मूड बना लिया है? देखिए, जनता के मूड को कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जनता के मन को समझ पाना मुश्किल है। विजय, अगर समय की बात की जाए, समय बेहद कम बचा है और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग भी कर चुका है, 3 दिन के यूपी दौरे पर था चुनाव आयोग की टीम, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जल्दी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, तो अब समय कम है, तो जनता के मूड में क्या है, जनता क्या सोच रही है, ये तो अब भाप पाना आसान हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इसी ने साफ कर दिया है, जिस तरह से चुनाव है वो तय समय पे ही होंगे, चुनाव को नहीं टाला जा सकता। जिस तरह से देखिए जनता को समझ पाना, जनता का मूड, छोटी छोटी समस्याएं जो जनता पिछले जो सरकारों में त्रस्त थी उनसे कहीं राहत है। देखिए, अगर जनता से बात योगी और मोदी की चेहरे को लेकर के अगर चुनाव की बात आती है, तो ये तो साफ कह देना है कि योगी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में दोबारा से बनेगी, इसको कह पाना मतलब एक तरह से योगी को चेहरे को अगर देखते हैं तो जनता खुश है। यानी बदायूं में, बदायूं जिले का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पास है, फेल नहीं कह सकते उसे? नहीं नहीं, उस स्तर पे फेल नहीं कह सकते। हालांकि देखिए, यहाँ पर विधानसभाओं में जो विधानसभाओं में अगर प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्रत्याशी है, उससे तो सीट तो चेंज हो सकता है, मगर प्रदेश की बात करें या यहाँ पर बदायूं में जैसे 6 सीट है, 6 सीट में पिछले 2017 में जो है 5 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, मगर 1 सीट जो है सपा के खाते में थी, मगर इस बार जो है बीजेपी जो अपनी मजबूती कमजोरी जो देख रही थी, बीजेपी सीट सहजान सीट जो है कमजोर थी, उसके लिए देखिए वहां पर अपराध पर लगाम लगा है, बदायूं में अपराध कम हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ, महिलाओं के लिहाज से सोचेगा आप, क्योंकि फील्ड पर बने रहते हैं, महिलाओं से भी आपकी बातचीत होती रहती होगी, तमाम खबरें आप भेजते हैं, तो बताइए कि महिलाओं के लिहाज से बदायूं सुरक्षित है? देखिए, उतना कहा जाए कि जितना सुरक्षित होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपराध देखिए अपराध जिस तरह से कम हुए हैं, मगर उससे कह पाना कि अपराध का बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपराध जो है अभी भी है, महिलाएं अभी भी जो है सुरक्षित नहीं है, मगर जिस तरह से सुरक्षा की बात की जाए तो उससे कहीं ज्यादा जो है सुरक्षित है। चलिए, यानी कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2017 से पहले का और 2017 के बाद का, यही हकीकत है कि पहले जितना अपराध था उससे कम हुआ है 2017 के बाद? देखिए, अपराध भी कम हुआ है, महिलाओं भी अधिक सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है,
ठीक है विजय, बने रहिए मेरे साथ, सतीश लगातार मेरे साथ बने हुए। सतीश, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या संभल में अपराध कम हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, अपराध की बात की जाए तो पिछली सरकार में अपराध कुछ ज्यादा था, इस सरकार में वो अपराध कम हुआ है। और यहाँ पर जो चकेल मिश्रा हैं ऐसी, वो हर पल 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 पर निगरानी रखते हैं और कर्मचारियों पर भी निगरानी रखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं और जहाँ भी कोई घटना होती है स्वयं आते हैं और तुरंत जांच करते हैं और तुरंत टीम गठित करके उस पर कार्रवाई की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रशासन की बात की जाए, शासन की बात की जाए, जो यहाँ पर जो अधिकारी पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा निगरानी रखी जाती है। और क्राइम की बात की जाए तो क्राइम तो पहले से कम हुआ है, क्योंकि पिछली सरकारों में क्राइम ज्यादा हुआ था, इस सरकार में क्राइम कम हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जनता की है कि जनता के जो वादे किए थे नेताओं ने, वो वादे पूरे नहीं किए हैं। देखिए, संबल गाँव की बात तो दूर की बात है, अगर संबल शहर की मैं बात करूँ तो क्या महिलाएं यहाँ पर रात में अकेले सफर कर सकती हैं, अकेले निकल सकती हैं? देखिए, महिला की बात की जाए, महिला आज भी थोड़ा डरती है, क्योंकि पिछली सरकार में कुछ ज्यादा डरती थी, सरकार में क्राइम कम हुआ है, ये नहीं खत्म हो गया, क्राइम कम हुआ है, इतना कम नहीं हुआ है कि अभी भी महिलाएं डरती हैं, बच्चियां भी कॉलेज से जाने से थोड़ा डरती हैं, क्योंकि कहीं कोई थोड़ा मनोबल बढ़ा है, ये कहने की कोशिश आप करें कि मनोबल थोड़ा बढ़ा है। जी, डर अब भी है लेकिन मनोबल बढ़ा है। जी चलिए, ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपने जिले का हाल बताने के लिए। जिले में क्या कुछ हो रहा है, जनता कितनी खुश है सरकार से, पहली सरकार में कितनी खुश थी, कंपैरिजन दोनों बताया है कि किस तरह से जो अपराध का ग्राफ है वो पहले से थोड़ा कम हुआ है, अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा कम हुआ है। 2022 को लेकर भी यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की है। तो अगर बदायूं की मैं बात करूँ तो बदायूं में कहीं ना कहीं योगी सरकार से आम जनता खुश है, संभल में थोड़ी नाखुश नजर आती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि 2022 में संबल में, बदायूं में कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हैं और कितनी सीटें अन्य दलों को मिलती हैं। फिलहाल के लिए इस खास शो में इतना ही, कल फिर लौटेंगे अलग जगह के अलग रिपोर्टर्स के साथ।